बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्कूप इस वक्त का दे रहे हैं। आपको जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर हम दे रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी क्या रिवाइव हो रही है। क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक्त मैदान में कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह से पीडीपी एक मरतबा फिर जम्मू कश्मीर के गोशे गोशे तक जाके लोगों के बीच में जाके अपना सियासी मंशूर और लोगों को आगाही दें। लेकिन पीडीपी के रिवाइवल के हवाले से बहुत बड़ी खबरें आ रही है कि लगभग 15 से लेकर 20 लोग इस वक्त कतार में हैं जो पीडीपी फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं। आखिरकार उनके साथ क्या हुआ है माजी में, क्या माजी में उन लोगों को मुख्तलिफ जो दबाव थे, मुख्तलिफ जो प्रेशर्स थे, उनके जरिए उनको पार्टी से निकाला गया या उनको मजबूर किया गया कि आप पार्टी छोड़ दें, बहुत बड़े सवाल आते हैं। यहां से दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी खबर भी आ रही है कि मुजफ्फर हुसैन बेग एक एक्टिव रोल इस वक्त निभा रहे हैं कि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हवाले से कहते हैं कि उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कभी छोड़ी ही नहीं है, बल्कि वो सियासी लिहाज से और सेहत के हवाले से चूंकि मुख्तलिफ मामलात को लेकर अपने घर के अंदर ही बैठे थे, पीडीपी की वो एक किस्म के बानी मेंबर अपने आप को समझते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पीडीपी के हवाले से माजी में भी एक अहम रोल अदा किया और इस वक्त खबरें आ रही है जराये के मुताबिक कि मुजफ्फर हुसैन बेग का असर जो है वो शायद शिमाली कश्मीर में भी हो सकता है और मुजफ्फर हुसैन का कद जो है वो शिमाली कश्मीर में पीडीपी खासकर पीडीपी में एक नया रूह भी फोंक सकते हैं। ये खबरें इस वक्त मार्केट में गश्त कर रही है। बहरहाल हमारे साथ मौजूद है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ लीडर नजमुल साकिब। नजमुल साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब जी, खबर आ रही है कि पीडीपी रिवाइव हो रही है। पीडीपी को रिवाइव करने के हवाले से महबूबा जी और उनके जो साथी हैं वो एक बहुत बड़ी कोशिश भी कर रहे हैं इलेक्शन से पहले और लोगों में अपना मंशूर लेने के लिए पार्टी में नई रूह भी फोंक रहे हैं, किस हद तक सही है? देखिए शाहिद साहब, जमहूरियत में अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का सबसे बड़ा जो जरिया होता है वो इलेक्शंस है, और जो लास्ट इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए 2014 में, उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें थी, सबसे ज्यादा वोट थे, तो रिवाइवल की तो कहीं बात नहीं। हाँ, सेटबैक एक लगा था, कुछ लीडर हजरात जो है वो तंजीम से जो है उन्होंने किनारा कशी इख्तियार की थी, क्या वजूहत थी, कुछ को दबाया गया, कुछ को तंग किया गया और एजेंसीज वगैरह बाकी जो भी उसमें फैक्टर्स थे। बट हाँ, आपने जिनका नाम लिया है, जैसे आपने बेग साहब का नाम लिया, बेग साहब एक शख्सियत ऐसे रहे हैं जिन्होंने मुफ्ती साहब की शाना बशाना जो है काम किया, जो पीडीपी बनाने में वो फाउंडर थे, सेल्फ रूल में उनका एक बड़ा जो है अहम रोल था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, तो काफी उनका कद भी रहा है और तंजीम बनाने में और जो तंजीमी फाउंडेशन जो ढांचा है उसमें उन्होंने काफी काम किया है। तो हमारे लिए देखिये, जैसे हमारी पार्टी प्रेसिडेंट का जो बार बार उसमें उनका स्टेटमेंट आया है कि वो एक मशावरत के साथ होगा, पूरी तंजीम के साथ मशावरत होगी। और आपको अगर याद होगा कि हम जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हम शदो मत के साथ अभी इलेक्शन के लिए जो है तैयारी में लगे हुए हैं। अभी आपने कुछ दिनों पहले, आपको पता होगा, याद भी होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसकी तश्कील दी गई, जिसके चेयरमैन ताज मंदी साहब को बनाया गया। तो हमारी तो कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम लोगों के बीच में रहें और तंजीम को एक्सपेंड करें, तंजीम को फैलाएं, जो पुराने वर्कर जो हजरात, जो कोई नाराज हो, कोई बैठा हो घर पे, और उनके पास जाए, लोगों के जो मसले मसाइल है उनको जो है उजागर करें। अभी काफी लोग जो है परेशान में मुब्तला है और हम हमेशा चाहते हैं कि सारे सबसे, और उससे बड़ी चीज कि जम्मू कश्मीर का मसला जो पेचीदा मसला है, देखिए हम बार बार ये चीज कहते हैं कि डेवलपमेंट एक तो हो गया कश्मीर इशू और दूसरा हो गया इश्यूज ऑफ कश्मीर, कि जब तक लाइक माइंडेड पीपल इकट्ठे ना हो जाएं, उनकी जो आइडियोलॉजीज है वो उस पर कोलिस ना करें, एक जगह मिल बैठ के कोई मशवरा ना निकालें कि आगे का रास्ता जम्मू कश्मीर का क्या होगा, लोगों की मुस्तकबिल का क्या, कैसे रास्ता निकालेंगे, उसके लिए लोगों का आना, लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी होता है हर तंजीम के लिए। ये सिर्फ लीडर्स की बात नहीं है, हमारे दरवाजे तो हर आवाम के लिए भी खुले हैं। जो बाकी तंजीमों में जो वर्कर आते हैं वो हमारे पास आते हैं, हर हर किसी के लिए हरीफ है, उनके साथ पीएचडी में बैठ सकते हैं, तो ये जो लीडर्स खुले क्यों नहीं है? देखिए, मैंने
मैंने आपको कहा कि हमारे दरवाजे जमहूरियत में और तंजीमी जो तंजीमी ढांचा होता है, तंजीम कभी किसी के लिए दरवाजे नहीं बंद करती है। बट हाँ, जहाँ पे इसमें काफी इलेक्टोरल जो है इश्यूज आते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज आते हैं, उन सारी चीजों पे मशावरत करके तंजीम पूरी बैठती है और किसी का इंडिविजुअल फैसला इस पे नहीं होता। एक तंजीम मशावरत करती है, पार्टी प्रेसिडेंट जो है पूरी तंजीम में, जो हमारे लीडर हजरात है, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी है वो बैठती है, पैक बैठती है, इसमें वहां पे मशावरत होती है, तो वहां से कोई डिसीजन निकलता है। और हम जैसे आपने पीएचईडी की बात की, देखिए पीपल पीएचईडी तो हमारा इनिशिएटिव था, वो तो महबूबा जी का इनिशिएटिव था। जब 370 हटने से पहले वो फारूक साहब के घर गए थे उस टाइम और पीएचईडी बनाया, उसके बाद भी जब वो जेल में थे आपको याद होगा फारूक साहब ने कहा कि साकिब भाई जो डिक्लेरेशन थी वो मुजफ्फर बेग साहब ने लिखी थी। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो मैं वही कह रहा हूँ, उस टाइम भी उनका उसमें काफी पिवोटल रोल रहा पीएचईडी उसमें डिक्लेरेशन में। तो उसके हमेशा जो हम आपको याद होगा, बाकी जो लीडर हजरात नॉर्थ कश्मीर से हैं उनकी भी काविश है, उनकी भी कोशिश है हमेशा की कि अपने लोगों की जो नुमाइंदगी है वो बेहतर तरीके से करें, चाहे वो हमारे एमपी उस टाइम फयाज साहब हो, आपको याद होगा जब बाकी सारे लीडर हजरात जो चुप करके बैठे थे, फयाज साहब ने मुझे लगता है एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने खुल के जम्मू कश्मीर का नाम पार्लियामेंट के अंदर कपड़े फाड़े, बिल्कुल अपना दर्द जो है पूरे मुल्क के सामने उन्होंने जताया। तो देखिए मैंने आपको ये कहा कि इंडिविजुअल्स पे और इलेक्टोरल का जो कंपल्शंस और पॉलिटिकल कंपल्शंस उनको दरकिनार करके एक बड़ा फैसला जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होगा। देखिए तंजीम तो लोगों के लिए, लोगों के बहबूदी के लिए काम करती है, तो हमारे सारे जो फैसले हैं वो लोगों के मंशा, लोगों के बहबूदी के लिए होंगे इंशाल्लाह ताला। तो साकिब साहब ये भी जानना चाहेंगे कि आपको लग रहा है कि बेग साहब चूंकि सेहत के लिहाज से या बाकी मामला के लिहाज से महबूबा जी से मुलाकात भी हुई, तो आपको लग रहा है कि ऐसे बड़े लीडर का एक बहुत बड़ा असर शिमाली कश्मीर में हो सकता है और पीडीपी में एक स्ट्रेंथ पीडीपी को मिल सकती है? देखिए ये कबलस वक्त कहना होगा कि क्या आगे जो है सियासी सूरत हाल रहेगी, बट जहां तक बेग साहब के कद का सवाल है, उनके कद को कौन नकार सकता है, उनकी कंट्रीब्यूशन को कौन नकार सकता है, उनकी एक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन रही है जम्मू कश्मीर के सियासत और पॉलिटिकल लैंडस्केप में, और खास तौर पर हमारी जो तंजीम में वो पैटर्न के तौर पे उन्होंने काम किया और सेल्फ रूल जो मंजूर है उस पे जो उनका जो काम था उसको कौन नकार सकता है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब साहब बात कर रहे थे, नजमू साकिब जो पीडीपी के होनहार और यूथ लीडर हैं, तो नजमू साकिब हमारे साथ बात कर रहे थे खासकर पीडीपी के रिवाइवल के हवाले से। दोस्तों ये खबरें इस वक्त मार्केट में गश्त कर रही है कि मुजफ्फर हुसैन बेग शायद अपने जो लगभग 10 से लेकर 15 जो फॉर्मर एमएलएज हैं, कहा जा रहा है कि मुजफ्फर हुसैन बेग की बात उनके साथ हो रही है और वो शायद पीडीपी में चूंकि मुलाकात भी हुई है, महबूबा मुफ्ती के साथ मुलाकात हुई है, तो आपको हम बता दें कि इस वक्त की जो खासकर नॉर्थ कश्मीर की केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। कुपवाड़ा की अगर बात करें तो इस वक्त कुपवाड़ा में भी 2-4 लीडरान ऐसे हैं जो इस वक्त चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं जो सियासी लिहाज से एक उस पार्टी में जाए जिस पार्टी से वो आए हैं और जिस पार्टी को छोड़कर वो आए थे, वो वापस जाना चाहते हैं। और इसी तरह से शिमाली कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करें, लगभग 2-4 लीडर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस वक्त वो एक मरतबा फिर उस पार्टी के साथ राबता फिर से करें जिस पार्टी से वो निकाले गए थे या वो खुद निकले थे किसी दबाव के तहत, किसी प्रेशर के तहत। ये खबरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। मोतबर जराए से हमें पता चला है कि लगभग बारामूला में इस वक्त मुजफ्फर हुसैन बेग जो है उन्होंने मुलाकातें भी की हैं और कल भी जम्मू में एक बहुत बड़ी मुलाकात होने जा रही है मुजफ्फर हुसैन बेग के साथ। बहुत सारे लोग कल, इस वक्त हम आपको खबर दे रहे हैं कि मुजफ्फर हुसैन बेग के साथ बहुत सारे लोग जो है वो मिल रहे हैं और पीडीपी की रिवाइवल की बातें हो रही हैं। हम आपको बता दें कि अगर हम पीडीपी के रिवाइवल की बात करें तो महबूबा मुफ्ती से मैंने भी सवाल पूछा था, उनसे पूछा था क्या आपके दरवाजे बंद है, उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जमातों के लिए खुले हैं बड़े कॉज के लिए, महबूबा मुफ्ती का कहना था जब उन्होंने मेरे इंटरव्यू में मेरे सवाल का जवाब दिया था। मैंने उनसे पूछा था क्या आप उन लीडरान को माफ करेंगी या क्या आप उन लीडरान को वापस पार्टी में लेंगी जो आपकी पार्टी छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कहा जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ
बैठ सकते हैं, जो इतनी बड़ी पार्टी जिनकी बहुत बड़ी ब्लंडर्स हुई हैं पास्ट में, माजी में अगर हमने किसी के खिलाफ ज्यादा बोला है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोला है, लेकिन लार्जर कॉज के लिए हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दरवाजा भी खटखटाया और उनके घर गए, फारूक अब्दुल्ला के घर गए। वो दूसरी बात है, फिर फारूक अब्दुल्ला ने हाईजैक किया पीएचईडी को और कहा कि पीएचईडी हमारी एक सोच थी, पीएचईडी हमारा एक इनिशिएटिव था, ये महबूबा मुफ्ती का कहना था। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल खबर यह सबसे बड़ी आ रही है कि मुजफ्फर हुसैन बेग लगभग 10 से लेकर 15 लोगों के इस वक्त टच में हैं, और पीडीपी के रिवाइवल के हवाले से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि पीडीपी अगर मुजफ्फर हुसैन बेग के साथ ये 10 या 15 लोग जुड़ के पीडीपी में वापस जाते हैं कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है पीडीपी को। यह एक एनालिसिस चल रही है इस वक्त मार्केट में। लेकिन दूसरी बात यह है कि शायद पार्टी के कुछ लीडरान ये चाहते हैं कि जो भी पार्टी में आना चाहता हो वो इनफरादी तौर पर महबूबा मुफ्ती से मिले और महबूबा मुफ्ती को अपने जो उजरात हैं वो बयान करें कि आखिरकार वो पार्टी क्यों छोड़ के चले गए थे, वो पार्टी में किस लिहाज से अपनी जो जो उन्होंने पार्टी को छोड़ा था वो क्यों छोड़ के चले गए थे। ये महबूबा मुफ्ती की भी कहीं ना कहीं सोच है, ये कहना है महबूबा मुफ्ती के करीबी जो साथी हैं। तो दोस्तों क्योंकि आपको हम बता रहे हैं कि हालात ऐसे बने थे, आपको खुद मालूम है कि वही पर्रा जो पार्टी के सबसे क्लोज एक यूथ लीडर हैं उनको जेल भेजा गया, इसके अलावा बहुत सारे लीडरान जो हैं वो छोड़ के चले गए थे। तो कहीं ना कहीं एक दबाव, एक जो जो खासकर पीडीपी के मुख्तलिफ लीडरान को एक डर था, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लीडरान जो है उन हालात में पीडीपी से किनारा कशी उनने इख्तियार किया। अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या मुजफ्फर हुसैन बेग एक मतलब फिर जो है एक्टिवली पीडीपी में अगर एक्टिव हो जाते हैं मुजफ्फर हुसैन बेग, तो शायद पीडीपी के रिवाइवल के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर होगी और पीडीपी का रिवाइव भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।